नमस्कार फ्रेंड, मेरा नाम है गौरव और आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप जो है अपने चैनल पर कोई वीडियो अपलोड करते हो तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है आपको चैनल पर वीडियो अपलोड करने का, जिससे क्या है आपकी वीडियो जो है जल्दी से बूस्ट हो सकती है। तो अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाल बटन दबाकर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो प्लस आइकन है, प्लस आइकन पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर अपलोड कोई वीडियो करनी नहीं है जो आपको वीडियो है। तो चलो जी, यहाँ पर मैं आपको एक वीडियो, छोटी सी कोई वीडियो अपलोड करके दिखा देता हूँ। फिलहाल इस वीडियो को सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसे जो है अपलोड करता हूँ। तो चलिए हम इसको अपलोड कर देते हैं। अपलोड करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट पर क्लिक कर दोगे उसके बाद फिर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आपका नेक्स्ट पर क्लिक होने के बाद हमारी जो वीडियो यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। तो ये देखिए, अभी यहाँ पर जहाँ पर कुछ आपको टाइटल वगैरह नहीं देना है, बस आपको जो है अपलोड कर देनी है। यहाँ पर कुछ प्राइवेट में रख के आपको जो है अपलोड करनी है। तो चलिए हम इसको जो है अपलोड कर देते हैं। अभी ये आप देख सकते हो हमारी वीडियो जो है अपलोड हो रही है। मैं आपको यहाँ से नीचे से देखता हूँ, ऊपर से आपको खींच के दिखा देता हूँ। ये देखिएगा, यहाँ पर आप जो हमारी वीडियो जो अपलोड हो रही है, यहाँ पर जो आज की डेट दिखा रहा है आपको 24 जनवरी 2021। अभी हमने क्योंकि जो हमने आपको टाइटल नहीं दिया वीडियो का, तो इसी वजह से हमको जो है दिखा रहा है। और बिना जो बाई डिफॉल्ट का टाइटल वगैरह नहीं देते तो जो है बाई डिफॉल्ट डेट ले लेता है। तो अभी हम ये जो वीडियो अपलोड हो रही है, थोड़ा नेट स्लो है, तो लेकिन अभी आपको हमारी जल्दी अपलोड हो जाएगी क्योंकि मैंने एक छोटी सी क्लिप ही ली है आपको ये समझाने के लिए। तो ये देख सकते हो हमारी 17% वीडियो अपलोड हो चुकी है। जस्ट अभी थोड़ी देर और वेट करते हैं, हमारी वीडियो जो है अपलोड हो जाएगी। तब तक क्या करना है, हमको जो है अपने जो यूट्यूब स्टूडियो है उसमें आ जाना है। तो अभी मैं आपको YouTube स्टूडियो में आने के बाद वहाँ से आप जो है डायरेक्ट इसको एडिट कर लेते हैं और वीडियो हमारी साथ ही साथ आपकी अपलोड भी होती रहेगी। तो चलिए, अब YouTube स्टूडियो ओपन कर लिया हमने। YouTube स्टूडियो ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, आपको जो वीडियो अपलोड हो रही है वो आपको जो है यहाँ पर ओपन हो जाएगी और उस पर क्लिक करके वीडियो का टाइटल जो है आपको दे देना है। तो जैसे आपको जो पेंसिल का निशान है इस पर क्लिक करना है। इस निशान पर क्लिक करने के बाद आपको जो वीडियो का टाइटल यहाँ से चेंज कर देना है। दोस्तों, वीडियो का टाइटल जो रखना है, जो हर जो वर्ड होगा उसका जो फर्स्ट लेटर है आपको कैपिटल में रखना है। इससे क्या होता है कि आपको जो वीडियो का टाइटल थोड़ा देखने में अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव भी लगता है लोगों को। जिससे क्या होता है, मतलब थोड़ा अच्छा लगता है बस, और कुछ नहीं है देखने में। ऐसा नहीं कि आपने छोटे बड़े अच्छा दे दिए और टाइटल रख दिया। तो यहाँ पर देखिए, हाउ टू अपलोड वीडियो ऑन यूट्यूब। तो हमने पैरा लेटर जो है कैपिटल रखा हुआ है, तो आपको ऐसे ही रखना है और ये आपको सेव कर देना है। तो सेव करने के बाद हमारा वीडियो जो सेव हो रहा है देख लीजिएगा। सेव होने के बाद आप देखो, फिर से आपको पेंसिल पे ही क्लिक करना है। पेंसिल पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर जो को ऊपर आपको देखो पेंसिल का निशान दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करके क्या करना है, यहाँ से जो आपका थंबनेल है, थंबनेल यहाँ से आपको जो चूज करके अपलोड कर दिए। जो आप थंबनेल बनाए हो वीडियो के लिए, वो आप यहाँ से आपको जो रिसेंट थंबनेल आपको शो कर देगा, वो थंबनेल आप सेलेक्ट करके यहाँ से अपलोड कर दीजिएगा। अपलोड करने के बाद वहाँ से ऊपर से आपको जो है सेव का ऑप्शन है, सेव क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद आपको आता है ऐड डिस्क्रिप्शन। ऐड डिस्क्रिप्शन में क्या करना है, आपको पहले तो सबसे पहले वीडियो का टाइटल ही आपको कॉपी कर लेना है। टाइटल कॉपी करने के बाद डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले हमें जो है अपना टाइटल ही देना है। तो जैसे टाइटल देने के बाद आपको क्या करना है, इसको सेव करना है। फिर से सेव करने के बाद आपको डिस्क्लेमर और आपकी जो है इंस्टाग्राम की लिंक और जो कोई भी आप लिंक देना चाह रहे हैं, वीडियो के बारे में कुछ बताना चाह रहे हैं, वो आप सबसे लिख के रख लीजिएगा। या डिस्क्लेमर वगैरह आप लिख के रख के इसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर सबमिट कर दीजिएगा। तो मैं अभी आपको क्या करना है, मैं दूसरी वीडियो से आपको इसको उठाता हूँ, जो मैं आपकी देखो पिछली वीडियो हमारी जिससे पहले ये फाइन टैक्स, इसको इसका डिस्क्लेमर मैं निकालता हूँ। डिस्क्लेमर निकालने के बाद यहाँ से आप जो कॉपी कर लेता हूँ अपना। तो जो जिसका डिस्क्लेमर है, मैं इसको कॉपी करने के बाद यहाँ से जिसे पूरा कॉपी कर लेता हूँ अभी। और कॉपी करने के बाद क्या करना है, हमको वहाँ पर जैसे सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने क्या होता है कि आपको कोई कॉपीराइट स्ट्राइक वगैरह आपकी जो होती है, बहुत सारे लोग दे देते हैं, क्लेम वगैरह कर देते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं तो नहीं आती हैं। तो ये सब हम कॉपी करके अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमको डाल देना है। तो अभी हम ये डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं। चलिए, यहाँ पे हम कॉपी कर देते हैं इसको। तो हमने ये जस्ट कॉपी कर दिया। कॉपी करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे हम जो है अभी इसको सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद ना आप यहाँ पे जो है एक ऑप्शन दे दिया कि टैक्स नहीं डालने हैं दोस्तों। टैक्स आपको न्यू पॉलिसी के हिसाब से जो है आपका जो
YouTube पे स्टैक वगैरह भी आ सकती है जो कि पॉलिसी का अंगेस्ट है। तो यहाँ पे आपको योर क्वेरी डाल के और क्वेरी आपको लिख देनी है, नंबर वाइज पॉइंट वाइज लिखनी है, ना कि आपको कॉमा लगा के लिखनी है। कॉमा नहीं लगाना है किसी भी जो क्वेरी है उसमें, तो नंबर वाइज लिखनी है। हाउ टू अपलोड अ वीडियो, वीडियो कैसे अपलोड करें, जो आपके टैग्स होते हैं, हालांकि टैग्स ही आपको यहाँ पर लिखने हैं बट एज ए पॉइंट बना के लिखने हैं, ना कि आपको टैग कॉमा लगा के लिखने हैं। तो ये सब आप यहाँ पर लिख के इसको कर देंगे सेव। देखिए हमने जो यहाँ पर लिख दिया है वीडियो कैसे अपलोड करें और हाउ टू अपलोड वीडियो ऑन यूट्यूब, तो ये लिखने के बाद आप जो है इसको बैक करके सबमिट सेव कर दीजिएगा। तो सेव कर दे, ये सब हम जो प्रोसेस कर रहे हैं पूरा जो है प्राइवेट पर रह के ही करना है हमको। इसके बाद आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा नीचे, देखो आपको जो यहाँ पे जो चल रहा है ना प्राइवेट पे है, प्राइवेट पर जो यहाँ पे अनलिस्ट करके आप चेक भी कर सकते हो। तो इसके बाद आपको जो नेक्स्ट ऑप्शन है जो ऐड प्लेस्ट, कोई प्लेस्ट है तो प्लेस्ट में ऐड कर सकते हैं और ऐड टैग पर जाके जो है हमें इसमें टैग भी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है टैग आप डाल दीजिएगा हाउ टू अपलोड वीडियो और कॉमा लगा दीजिएगा, आपको जो राउंड फिगर बन के आ जाएगा और जो आपका टैग है ये, तो वीडियो कैसे अपलोड करें फिर कॉमा लगा दीजिएगा। कॉमा लगाने के बाद आपकी जो वीडियो है टैग बन के आ जाएगा। वैसे टैग से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ, इससे पहली जो वीडियो है वो आप देख लीजिए, वरना मैं इसकी लिंक आपको आई बटन में दे दूँगा, वहाँ से आप जो है पूरा समझ सकते हो कि YouTube के लिए टैग किस तरीके से फाइंड करें, बेस्ट टैग किस तरीके से फाइंड करने हैं। फिलहाल मैंने समझाने के लिए आपको ये कर दिया, तो अब इस फिलहाल मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर सेलेक्ट ऑडियंस का ऑप्शन मिलेगा, तो बाय डिफॉल्ट अगर यहाँ पर आप दोस्तों जो मिड फोर्ट क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपका कमेंट डिसेबल हो जाएगा, और नीचे आपका एज रेस्ट्रिक्टेड करते हो तो आपकी वीडियो पर एड्स नहीं आएंगे, मोनेटाइज नहीं होगी, आपको पैसा नहीं मिलेगा दोस्तों। तो एज रजिस्टर की वीडियो को अगर रजिस्टर एज रजिस्ट्रीन प्लस है तो आप 18 प्लस कर दीजिएगा। और इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, अनलिस्ट करके आपको सेव करनी है और वीडियो को एक बार चेक कर लीजिएगा। जैसे चेक करने के बाद अगर आपकी वीडियो कुछ लगता है कुछ गलत रह गया है तो आप चेक करके आपको पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से आपको कुछ चेंजेस करनी है। उसके बाद सर आपको यहाँ पर आप देख सकते हो किसी प्लेटफॉर्म वगैरह से लिंक शेयर करके आप वीडियो चेक कर लीजिएगा पूरी। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर आपको जो है वीडियो को पब्लिश करना है, जो एक दो घंटे बाद पब्लिश करेगा, इससे क्या होगा कि जो आपकी वीडियो का मैक्सिमम नोटिफिकेशन लोगों के पास जाएगा अगर आप जो वीडियो पब्लिश करते हैं अनलिस्टेड के बाद एक दो घंटे के बाद। दोस्तों इतना ही आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर इसके रिगार्डिंग आपके मन में फिर भी कोई कन्फ्यूजन रहता है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं आपकी क्वेरी का जल्दी से जल्दी रिप्लाई करूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।